हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव सरता चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं फूलों और कलियों वाला तोरण डिजाइन, जो बहुत ही प्यारा सा है। और फ्रेंड्स, डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत तोरण है, आप इसको ज़रूर बनाइए। और इसको बनाने में समय नहीं लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में आप इसे बना सकते हैं। और इस तोरण को अगर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें ऊन कितना लगा है और क्रोशिया की साइज और इस पट्टी की लंबाई, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। बनाने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इसकी पट्टी भी मैंने न्यू डिज़ाइन में बनाया है फ्रेंड्स, तो पट्टी और तोरण मैंने साथ में ही इसी वीडियो में बना के दिखाया है। तो देखिए, मैं लटका के एक बार दिखा दे रही हूँ। इस तरह से शुरू में मैंने आपको दिखाया है लटका के, और दरवाजे पे जब आप लगाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही प्यारा सा लगेगा। आप इस तोरण को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कम समय में बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तोरण डिजाइन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त हों सबको शेयर कर दीजिएगा, इतनी अच्छी डिजाइन है, ताकि आपके सभी दोस्त बना सकें। तो चलिए, इस तोरण को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पट्टी से हम स्टार्टिंग करेंगे और बनाएंगे चार चैन। और ऊन जो हमने लिया है 2 प्लाई का है, क्रोशिया हमारा 2.5 mm का है, आप 3 mm से भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चार चैन हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में चैन बनाया उसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया देखिए बन गया। इसके आगे हम बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद, तो यहाँ पे देखिए एक लूप बन गया है। अब इसके अंदर से हमें 5 राउंड धागा निकालना है और सभी धागे को क्रोशिया में रखना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं धागे को निकाल के और क्रोशिया में ही रख रही हूँ इस तरह से। तो 5 राउंड यहाँ पे हमारा हो गया है। अब इसको हम बंद करेंगे। तो इस तरह से देखिए, 2 धागा हमने रख के बंद किया, फिर 2 धागा रख के बंद करेंगे। तो इसी तरह से 2 धागा रख के बंद करते हुए इसे हम 5 पार्ट में बंद कर लेंगे। ये देखिए बन गया इस तरह से। फिर इसके आगे हमें 3 चैन बनाना है और इसको हम टर्न करेंगे, पलट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, धागा लेके क्रोशिया में, ये जो चैन देखिए हम 3 बनाते हैं, इसी के फंदे में से फिर हम 5 राउंड धागा निकाल के क्रोशिया में लेंगे। जैसे 1 राउंड में लिया उसी तरह से यहाँ पर भी लेना है। देखिए यहाँ पे हो गया 5 राउंड। इसको भी 2 धागा रख के 5 पार्ट में बंद कर लेंगे। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, बस आप वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं समझाने की कोशिश अच्छे से करूँगी, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे 3 चैन बना के फिर इसको हम टर्न करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, जो 3 चैन है उसी के फंदे में से हम 5 राउंड धागा निकालेंगे इस तरह से। और यहाँ पे 2 धागा रख के इसको बंद कर देना है। बिल्कुल ही सिंपल डिजाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से बनाते हुए आपको दरवाजे के बराबर तक इसको बना लेना है फ्रेंड्स। तो आगे हम बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस पत्ती का डिजाइन 5 हमने ऊपर रखा है और 5 नीचे, टोटल इसमें 10 पत्तियाँ हैं। पट्टी मैंने बना लिया है बड़ी साइज का, इसलिए मैं छोटे में ही बनाना बता रही हूँ। अब इसके आगे मैंने यहाँ पे धागा चेंज कर लिया है। देखिए यहाँ पे जो चैन है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, नोट लगाते हुए धागे को यहाँ से निकाल लेना है। और यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाला देखिए जो पार्ट है, इसके ऊपर जो फंदा दिख रहा है, इसी में हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए एक हमने बनाया, फिर इसी में बनाना है। ये देखिए 2 हो गया, और फिर इसी के फंदे में बनाएंगे, 3 हो गया। टोटल इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लिए हैं। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे, जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें देखिए डबल क्रोशिया में तैयार करना है। और इसमें भी हम
6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड लिया है। और यहाँ पे देखिए दोनों फंदों में मैंने 6-6 डबल क्रोशिया तैयार कर दिया है। तो इसी तरह से आगे हमें बना लेना है, तो हम बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया, अब इसको टर्न करना बताएंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जो फंदा दिख रहा है चेन का, इसमें हमें इसको लॉक कर देना है। तो इसके फंदे में देखिए हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर इसके आगे में 4 चेन तैयार करना है। चार चेन बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वाला ये पार्ट है नीचे का, यहाँ पे हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है उसी तरह से यहाँ पे टर्न करते हुए भी बनाना है। और यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हम तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बन गया। अब इसके आगे नेक्स्ट वाले फंदे में 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक बनाना है। तो आगे हम बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने इसको बना लिया है और यहाँ पे 4 चेन करके मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे धागा चेंज करना है और यहाँ पे मैंने ग्रीन धागा लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो कलर आपको अच्छा लगे। तो चेन के फंदे से ही मैं स्टार्टिंग करना है। यहाँ पे देखिए नोट लगाते हुए उसी के फंदे में से मैं धागे को निकाल लिया है। और यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इसमें हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बना लिया है। अब इसके आगे देखिए जो 6 डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसके फर्स्ट वाले फंदे में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले फंदे में 1 सिंगल क्रोशिया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बीच में है। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और देखिए इसी के फंदे में यहाँ पे ये देखिए इन दोनों फंदे में से क्रोशिया को डालेंगे और धागा निकाल के हमें स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया। 2 सिंगल क्रोशिया फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में बनाया और 2 लास्ट में बनाया, बीच में देखिए डिजाइन है इस तरह से बनेगा डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए जिसमें से हमने 5 लूप निकाला उसके फंदे में से देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से 2 राउंड धागा में निकालना है इस तरह से देखिए, और इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद देखिए अब यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है अब उसमें हम बनाएंगे, पहले यहाँ पे बनाएंगे ये देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब ऊपर का डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पे 3 चेन बनाना है और इसी के फंदे में स्लिप स्टिच लगा देनी है इस तरह से। फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर आगे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिए बन गया। तो इस तरह से डिजाइन बनता हुआ जाएगा। और देखिए फिर यहाँ देखिए वाइट वाला जो फंदा है इसमें से हमें 2 राउंड धागा निकाल के क्रोशिया में लेना है और एक साथ बंद कर देना है। और बंद करने के बाद देखिए फिर हम डबल क्रोशिया के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए 2 जैसे हमने बना के दिखाया है उसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो आगे तक हम बना ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 5 डिजाइन हमने तैयार कर लिया है। अब इसको टर्न करना है। अब यहाँ पे जो हमने चेन बनाया है उसमें देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो 5 सिंगल क्रोशिया देखिए बन गया है। फिर उसके आगे चेन है तो उसमें भी हमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5 सिंगल क्रोशिया बन गया है दोनों चेन के फंदे में। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के फंदे में अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
पहले हम दो बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया हो गया, एक चैन बनाएंगे। ये देखिए तीसरा सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डिजाइन बनाते हैं। तो तीन चैन करके यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे और एक चैन करके फिर आगे हम दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब दो राउंड का जो पब बनाते हैं उसको भी बना ले रहे हैं। और एक साथ इसको देखिए बंद करके और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से डिजाइन तैयार होगा। तो इसी तरह से इस लाइन को भी हम आगे तक कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पट्टी हमारा कंप्लीट हो गया है और पट्टी की लंबाई हमने 30 इंच रखा है। और फ्रेंड्स इस पट्टी में हमने जो बीच में पत्ती का डिजाइन बनाया है वाइट कलर से, तो इसमें हमने 52 पत्ती तैयार किया है। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितना बड़ा आपका दरवाज़ा हो उस हिसाब से आप पत्ती को तैयार कर लीजिएगा। अब इसका हम लटकन बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हम 4 चैन तैयार करेंगे। 4 चैन बनाने के बाद हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके अंदर एक लूप बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चैन करके अब इसके लूप के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। पहले देखिए फंदों को बंद कर लेंगे, तीनों फंदों को हाफ डबल क्रोशिया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसमें टोटल में 5 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो 5 डबल क्रोशिया हमने देखिए तैयार कर लिया है। ऊपर का हम डिजाइन तैयार करेंगे तो यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और इसी के फंदे में देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। और फिर इसके आगे हम 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो एक साइड में देखिए 5 बनाया, एक साइड में और 5 बनाएंगे तब ये पत्ती हमारा तैयार हो जाएगा और दोनों किनारे पे हाफ डबल क्रोशिया रहेगा। देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे इस तरह से। देखिए तीनों फंदों को साथ में बंद कर देना है, हाफ डबल क्रोशिया है। और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक चैन बना लेंगे। अब इसके दूसरे साइड भी हमें पत्ती को तैयार करना है उसी तरह से। पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला पत्ती बनाया आगे उसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो जैसे हमने इसको बनाया उसी तरह से इसको हम बना ले रहे हैं, तब दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स ये पत्ती हमारा दोनों साइड का तैयार हो गया है। यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब देखिए धागे को नीचे की तरफ से इस तरह से लाना है और यहाँ पे इसको लॉक करके अब हम चैन बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे 7 चैन तैयार करना है। सात चैन यहाँ पे हमने बना लिया है। अब क्रोशिया को निकाल देंगे फ्रेंड्स और यहाँ से देखिए काउंट करना है, 1 2 3 4 चौथे वाले फंदे में क्रोशिया को डालना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए इस तरह से डाल के और ये देखिए ऊपर का जो फंदा है यहाँ से निकालना है। यहाँ पे एक छोटा सा लूप बन जाएगा और इसके आगे हम बनाएंगे 3 चैन। 3 चैन बनाने के बाद जो छोटा लूप बना है उसके फंदे में से 5 हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। एक देखिए हमने बनाया इसी तरह से, ये देखिए 2 बन गया। फिर इसके आगे ये देखिए तीसरा और यहाँ पे ये देखिए चौथा और ये लास्ट का 5वां। तो इसमें देखिए 5 डबल क्रोशिया बन गया है और किनारे का जो चैन है उसको लेके 6 हो जाएगा। और किनारे का देखिए जो चैन है उसी के फंदे में क्रोशिया को डालना है और यहाँ से देखिए धागे को हम निकाल लेंगे इस तरह से। निकालने के बाद यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चैन को लॉक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए जिसमें से हमने 5 डबल क्रोशिया तैयार किया उसी के फंदे में देखिए यहाँ पे जो छोटा लूप हमने बना लिया था उसी के फंदे में इसको लॉक कर देना है। अब इसके आगे हम बनाएंगे 6 चैन। अब यहाँ पर 6 चैन तैयार करना है।
छः चेन बन गया है। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, तो देखिए यहाँ से एक दो तीन, तीसरे वाले फंदे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक छोटा लूप तैयार करना है इस तरह से। फिर इसके आगे हमें बनाना है तीन चेन, और जो लूप बन गया है उसमें हमें पांच डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें पांच डबल क्रोशिया तैयार हो गया है। किनारे का जो चेन है उसी के फंदे में से, यहाँ से देखिए इसमें से हम क्रोशे को डालेंगे और धागा इसी के अंदर से निकालना है इस तरह से। और यहाँ पे बनाएंगे चार चेन। तो इसी डिजाइन में हम कली को तैयार करेंगे। तो ये दोनों साइड में रहेगा फ्रेंड्स, मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए इस तरह से, ये देखिए दोनों तरफ बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो लूप है इसी में ला के यहाँ पर हम इसको लॉक करके, अब इसके आगे हमें सात चेन तैयार करना है। तो एक तरफ हम सात चेन बनाएंगे, फिर एक साइड में हम छः चेन बनाएंगे। तो सात चेन यहाँ पे बन गया है। अब उसी तरह से देखिए चौथे वाले फंदे में यहाँ पे हम क्रोशिया को डालेंगे, और डालने के बाद देखिए धागे को यहाँ से निकालना है इसके अंदर से, और यहाँ पे बनाएंगे चार चेन। अब जो लूप बना है उसके अंदर हमें पाँच डबल क्रोशिया तैयार करना है, और पट्टी तो बहुत ही सिंपल थी। और उसी तरह से इसका लटकन भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो चेन का फंदा है वहाँ से क्रोशे को हमने डाला, फिर यहाँ पे चार चेन हमने इसको बना लिया, और इस तरह से फिर देखिए जहाँ से हमने इसको डबल क्रोशे तैयार किया उसी के फंदे में यहाँ पर लॉक करके फिर इसके आगे हम छः चेन तैयार करेंगे। तो इस तरह से कली का ढोंढ तैयार होगा फ्रेंड्स, जिसमें से कली निकलता है। तो देखिए दोनों साइड में बन रहा है, तो इसी तरह से हम आगे तक इसको बना ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको बना लिया है, और इसमें टोटल छः ढोंढ हमने तैयार किया है, तीन एक साइड में और तीन एक साइड में। अगर आप और बड़ा इसको बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप और बड़ा बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम आठ चेन तैयार करेंगे जिसमें हम फूल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको काउंट करना है, तो एक दो तीन चार पाँच, पांचवे वाले फंदे में हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया देखिए बन गया। इसी तरह से फिर एक और बनाएंगे, इसी के फंदे में दो ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है, और एक साथ इन फंदों को बंद कर देना है, ये देखिए। और इसके आगे पाँच चेन बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे लाके नीचे वाले फंदे में इसको लॉक कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा। और यहाँ पे देखिए इसको हम घुमाते हुए एक चेन बनाएंगे, और फिर देखिए जो किनारे का चेन है उसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया तैयार करना है, और यहाँ पे बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया। फिर पत्ती को हम तैयार करेंगे, तो पत्ती हमने एक बार बना के दिखाया, उसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं एक पत्ती बना के दिखा दे रही हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो देखिए पांच डबल क्रोशिया बन गया, इसके आगे तीन चेन बनाएंगे, और इसी के फंदे में यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। फिर इसके आगे हमें पांच डबल क्रोशिया तैयार करना है, तो देखिए यहाँ पे बन गया। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हो गया, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर एक चेन। अब देखिए जो किनारे का फिर यहाँ पे चेन है उसी के फंदे में फिर दूसरा पत्ती हम तैयार करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। पहले हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद पाँच डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे एक पत्ती हमने बना के दिखाया उसी तरह से इसको भी आगे हम बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पत्ती तैयार करके हमने लास्ट में यहाँ पे लॉक कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम फूल और कलियाँ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो बीच का हमने ट्रिपल क्रोशिया रखा है इसी में हम फूल को तैयार करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे नोट लगाते हुए धागे को यहाँ पे निकालना है इसके अंदर से इस तरह से, और इसके आगे बनाएंगे तीन चैन। तीन चैन बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें चार राउंड धागा निकाल के क्रोशे में लेना है। तो ये देखिए चार राउंड हो गया, एक साथ इन सभी फंदों को बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और देखिए नीचे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फूल तैयार होगा। और फिर इसके आगे बनाएंगे तीन चेन और फिर यहाँ पे देखिए चार राउंड धागा निकाल के क्रोशे में लेना है और एक साथ बंद करके फिर आगे हम तीन चेन बनाएंगे। और नीचे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से, फिर इसके आगे तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे चार राउंड धागा हम क्रोशे में निकाल के लेंगे और एक साथ देखिए बंद करके फिर आगे हमें तीन चेन बनाना है। और देखिए नीचे स्लिप स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे तीन चेन। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड में हमने ये तीन पफ बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके दूसरे साइड में भी हमें तीन पफ तैयार करना है बिल्कुल इसी तरह से। फिर यहाँ पे हम चार राउंड धागा निकाल ले रहे हैं, इसको बंद करके फिर तीन चेन बना के स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। तो एक देखिए हमने बना के दिखाया जैसे तीन बनाए उसी तरह से इसमें दो और बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस फूल को बना के कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें देखिए छह पफ हमने तैयार कर लिया है दोनों साइड से, मैं इसको दिखा दे रही हूँ इस तरह से। देखिए पत्ती भी और फूल भी। अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कली बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे का फंदा है इसी में हम कली को तैयार करेंगे। नोट लगाते हुए धागे को यहाँ से निकालेंगे इस तरह से और इसके आगे बनाएंगे तीन चैन। देखिए इसी के फंदे में से चार राउंड धागा निकालेंगे और इसको एक साथ देखिए बंद करके फिर आगे हमें तीन चैन तैयार करना है। और देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नीचे फिर इसके फंदे में स्लिप स्टिच लगा के और यहाँ पे धागे को कट कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक कली बन गया, ये देखिए इस तरह से रहेगा। इसका जो धागा है इसको हमें अंदर की तरफ कर लेना है ताकि ना दिखे। तो क्रोशिया के मदद से हम यहाँ पे धागे को अंदर की तरफ खींच ले रहे हैं और जो बड़ा रहेगा इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कली हमारा बनके तैयार हो गया, इस तरह से रहेगा। तो आगे देखिए जितने यहाँ पे ढोंढ हैं सब में हम कली को बना ले रहे हैं, तब आगे आपको दिखाएंगे बना के। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कली को तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स फूल और कली बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं देखने में। ये देखिए जब इसको आप लटकाएंगे तो इस तरह से देखिए दिखेगा दरवाजे पे, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें डोर को तैयार करना है। तो आगे हम इसको बना ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डोर को तैयार कर लिया है। तो मैंने वाइट कलर में भी बनाया है और यहाँ पे मैंने देखिए पिंक कलर में तैयार किया है। तो कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपके पास कलर हो आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए मैंने एक रेड कलर में तैयार किया है इस तरह से, सब सेम डिजाइन में है, बराबर है सब। अगर आप इसके डोर की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से आपको डोर को तैयार कर लेना है। तो चलिए अभी सेम तोरण में लगाना बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पट्टी में लगाना है, मैं इसको बता दे रही हूँ सुई धागे की मदद से हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए पट्टी का जो दो डिजाइन है तो इसमें हमने दो पत्ती बनाया है उसी में इसको ज्वाइन करना है। तो इसको हम उल्टा करके सिलाई लगाएंगे इस तरह से दोनों पत्ती के अंदर। यहाँ पे देखिए जो पट्टी का डिजाइन है यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो अच्छे से आप इस तरह से नोट लगा लीजिएगा ताकि ये जल्दी ना खुले। तो इस तरह से नोट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हमें कांठे लगा देंगे ताकि ना खुले। और देखिए फ्रेंड्स धागे को इस तरह से सुई को हम अंदर की तरफ करते हुए दूसरे साइड कर ले रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा पट्टी का डिजाइन है इसी में हम दूसरी पत्ती को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर भी अच्छे से नोट लगा लें ताकि ना खुले। नोट लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स धागे को हम नीचे की तरफ कर ले रहे हैं और यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर दिया है। तो इसी तरह से देखिए लटकन को लगाना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए जो एक पत्ती का डिजाइन है मैं स्कीप कर रही हूँ, फिर इसके आगे दो डिजाइन यहाँ पे जो है पट्टी में इसी में देखिए इस फूल को हम ज्वाइन करेंगे, बीच का हम स्कीप कर दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पट्टी में फूल को ज्वाइन कर लिया है, ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्किप कर दिया है, हर फूल के पास हमने एक डिजाइन पत्ती का जो डिजाइन है उसे स्किप कर दिया है। तो इस तरह से देखिए मैंने बनाया है। तो मैं इसको लास्ट तक दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए लटकाने पर इस तरह से दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बना है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा डिजाइन आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।